Hello everyone, welcome to Mind Maps in this polarographic series. Okay, I'm doing this again. We have polarographic maxima. Okay, what is polarographic maxima? Now, a simple polar polarographic curve should look something like this A, B, D. It should follow this path, but sometimes it becomes like a camel hump. Okay, hump. Right? i just write it down so that you remember. So, this hump can be in multiples of the diffusion current, okay? Into 2x, maybe, into 3x, right? It can be higher than the whole diffusion current value, okay? From which it is varying from point B to point D. It can, you know, be in multiples. So, this hump can be very long. I don't have space, so we'll just keep it shorter. <laughs> so what happens is when a drop of mercury falls into the solution, it is it isn't supposed to cause any motion. ठीक है जो भी diffusion current है वो किसकी वजह से होना चाहिए वो diffusion की वजह से होना चाहिए लेकिन जब एक drop test solution में गिरेगी कोई भी drop कहीं पर अगर तुम एक पत्थर कहीं पानी में मार दोगे डाल फेंक दोगे तो क्या होता है ठीक है एक एजिटेशन हो जाता है तो वैसे ही जब ड्रॉप ऑफ मकर जब टेस्ट सोल्यूशन में गिरती है तो एक मैकेनिकल एजिटेशन होता है जिसकी वजह से क्या होता है ड्रॉप के सरफेस पर अचानक से सी डी प्लस टू कैडमियम प्लस टू जो कि एक इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज है उसकी सप्लाई अचानक से बढ़ जाती है बहुत तो जब ज़्यादा इसमें ये मूवमेंट जो होता है जब ज़्यादा सी डी प्लस टू उसके सर्फिस पे जाता है तो क्या होता है करंट अचानक से बढ़ जाता है तो इसी को और कुछ नहीं हम है, बोलते हैं पोलरोग्राफिक मैक्सिमा अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसको रोका कैसे जाए ठीक है रोकते कैसे हम कुछ जेलिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं ठीक है कोलॉयड्स कोलोइड्स यूज़ करते हैं ओके okay. इसमें कुछ कुछ नाम है ट्राइटन एक्स हंड्रेड राइट तो इस तरह से कुछ डाइज यूज़ की जाती है जेलिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं उससे क्या होता है ये उसको ड्रॉप को कवर करते हैं जिससे क्या होता है कंप्रेशन हो जाता है और स्ट्रीमिंग बंद हो जाती है मतलब स्ट्रीमिंग नहीं होती है तो उससे क्या है पोलारोग्राफिक मैक्सिमा जो है कंट्रोल हो जाता है जो कि एक अनडिज़ायर्ड फिन है जो हमें नहीं चाहिए तो आशा करती हूँ कि वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा थैंक यू